हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए देयर में हैव बीन का प्रयोग लेकर आया हूँ। देयर में हैव बीन, जिसका अर्थ होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है देयर में हैव बीन प्लस अदर वर्ड। देखिए स्ट्रक्चर, देयर में है बीन प्लस अदर वर्ड रहा होगा, पेड़ के पीछे एक भूत रहा होगा, वहां कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, मेरी गलती रही होगी, तुम्हारी गलती नहीं रही होगी। जो भी सेंटेंस है उन सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेगा, तो आपको देयर में हैव बीन पर ही बनाना है। देखिए, देयर में हैव बीन ए घोस्ट बिहाइंड द ट्री। वहां कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, देयर मे हैव बीन सम स्टूडेंट्स देयर मेरी गलती रही होगी, देयर मे हैव बीन माई मिस्टेक। तुम्हारी गलती नहीं रही होगी, देयर मे नॉट हैव बीन योर फॉल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहां कोई शेर रहा होगा, देयर मे हैव बीन एनी लायन देयर। तुम्हारे घर पर कोई मेहमान रहे होंगे, देयर मे हैव बीन एनी गेस्ट एट योर होम। देयर मे हैव बीन स्कॉलर्स इन हिज स्कूल वहां कोई पुलिस रहा होगा। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और बहुत सारी वीडियो बना सकूं।